हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि आपको सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, तो बहुत लोगों ने कमेंट्स में डाला कि हाँ भाई, सेंसिटिविटी पर भी वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर होगी। ए टू जेड मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन है सेंसिटिविटी के अंदर, तो मैं सारा बताऊँगा कि किस वाले से क्या होता है, और ये भी बताऊँगा कि आप अपनी खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो ये मैं अपना कंट्रोल सेंसिटिविटी का कोड भी शेयर कर दूंगा और अपनी सेंसिटिविटी भी दूंगा। ठीक है, तो बिना फालतू बकवास किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, पहली यहाँ पर सेंसिटिविटी हम देखें तो आती है कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक। इससे क्या होता है, ये जो आई बटन नहीं होता, ये घुमाने वाला, कैमरा घुमाने वाला, ये इसकी सेंसिटिविटी होती है। अभी देखो, मेरी 300 है तो बहुत तेज़ घूम रहा है। मैं यहाँ से जाकर इसको 1 पे करूँगा। अब देखो, मैं ये पूरा घुमा रहा हूँ ऊपर। देखो, मेरे स्कोप बटन के पास देखो, पूरा घुमा रहा हूँ पर कैमरा मूव नहीं कर रहा। तो इसको आप जितना मर्जी रखो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके गेम प्ले पे। कैमरा सेंसिटिविटी अगली है, ये होती है कि आप ये जो मूवमेंट कर रहे हो, एक मिनट मैं जायरोस्कोप ऑफ करके आपको बताता हूँ। ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये थर्ड पर्सन कैमरा है। ठीक है, रेड डॉट ऐसे, ये जो मैं स्कोप खोल के कर रहा हूँ, ये अपने स्कोप की सेंसिटिविटी है कैमरे की। ये 6x की देख लो भाई। अगर मैं इस सेंसिटिविटी को देखो, यहाँ पर रेड डॉट की मेरी 50 है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये रेड डॉट खोल के मैं जितना मर्जी मूव कर लूँगा, देखो बहुत कम मूव हो रहा है, जबकि मैं अपनी पूरी फिंगर स्क्रीन पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं वापस से 50 कर देता हूँ। अगली है अपने पास एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी होता है ये जो फायर करते करते हम मूव करते हैं, ये देख रहे हो, फायर कर साथ में फायर भी करना है और ये कैमरा भी मूव हो रहा है, ये है एडीएस सेंसिटिविटी। देखो, मैं रेड डॉट की दिखाता हूँ, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना फायर करते हुए, ये इससे हो रहा है। अभी मैं आपको ये भी सेंसिटिविटी कम करके दिखाता हूँ। ये सेंसिटिविटी आपकी रिकॉइल कंट्रोल करेगी अगर आप जायरोस्कोप से नहीं खेलते। देखो, अभी मैंने किया, अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो कैमरा की तो है इसलिए मूव हो रहा है, पर जैसे ही मैं फायर करना शुरू करूंगा, ये मूव होना बंद हो जाएगा। देखो, रिकॉयल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब देखो, जैसे ही गोलियां रुकी तो स्क्रीन नीचे मूव हो गई, क्योंकि तब वो कैमरा पे शिफ्ट हो गया, तब फायर करने की सेंसिटिविटी मतलब एडीएस वाली खत्म हो गई, क्योंकि वो रीलोड कर रहा था। तो इसको मैं वापस 50 कर देता हूँ। और फिर है अपनी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। इसमें तो क्या ही बताऊँ, अपने डिवाइस को जितना मूव करोगे, ये देखो, ये मैं डिवाइस मूव कर रहा हूँ अपना, तो मेरा एम मूव हो रहा है, ये भी है। ठीक है, अभी मैं अगर जायरोस्कोप की भी आपको दिखाता हूँ, रेड डॉट की मैं 0 कर दूँ, 1 कर दूँ, तो ये देखो, मैं अपना डिवाइस मूव कर रहा हूँ पर एम हिल नहीं रहा। इसको भी मैं वापस से कर दूंगा। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि थर्ड पर्सन की मैं थोड़ी कम क्यों रखता हूँ, जैसे रेड डॉट 2x 3x, इनकी मेरी 400 है, पर थर्ड पर्सन नो स्कोप की मेरी 300 है। इससे होता क्या है कि जब ऐसे सामने वाला बंदा आपको क्लोज रेंज में ऐसे जिगल कर रहा हो, तो उससे आपका, मेरा एम थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने वो कम रखी है। अभी देख रहा, मैं 300 पे ऐसे मार रहा हूँ ना, पूरा एक ही जगह पे एम रह रहा है। जब मैं 400 करता हूँ तो मेरा एम ऐसे ऐसे थोड़ा मूव होता रहता है, इसलिए मैं 400 नहीं रखता। और अगली बात आपको मैं बता देता हूँ कि, अरे यार, ये 6x, 8 और 4x की मेरी सेंसिटिविटी इतनी कम क्यों है, क्योंकि उन स्कोप से मैं ज्यादातर स्नाइपिंग करता हूँ। ये देख रहे हो, स्नाइपर मैंने, अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एम, तो ये देखो बहुत कम मूव हो रहा है, पर अगर यहीं पर मैं 6x की सेंसिटिविटी, अभी 40 है जायरो की, अगर मैं बढ़ा दूं 400 कर दूं, तो देखो मेरा एम वहां पे स्टेबल नहीं रह रहा, इससे मेरे स्नाइपिंग के शॉट कभी कनेक्ट नहीं होंगे सही से। तो इसलिए जिन स्कोप से आप स्नाइपिंग करते हो, उनकी सेंसिटिविटी कम रखा करो। अभी देखना, ये देखो पूरा एम वहीं पे रह रहा है और शॉट भी कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे ढूंढनी है। ये ऊपर टॉप लेफ्ट में देख रहे हो स्क्रीन के, जहाँ टाइम चल रहा है, उसके साथ ये 3 एरो हैं, ये एक नया बटन आया है,
जिससे आप सेंसिटिविटी यहीं से चेंज कर सकते हो, आपको बार बार सेटिंग्स नहीं खोलनी पड़ेंगी। पर यहाँ पर सारी सेंसिटिविटी नहीं होती, जैसे ये देखो अभी सारी थर्ड पर्सन है, जैसे ही मैं रेड डॉट खोलूंगा तो सारी रेड डॉट की आ जाएंगी, मैं 6x खोलूंगा तो सारी 6x की आ जाएंगी वहां पर, ये ऐसे काम करता है। अब देखो आप मान लो स्प्रे मार रहे हो, आप जायरोस्कोप से खेलते हो, ठीक है, ये मेरी रेड डॉट की जायरो 400 है, मैं इसको कम करके दिखाता हूँ, मान लो आपकी कुछ ये 106 हो, ठीक है, इतनी रख के आप ऐसे स्प्रे मारोगे तो देखो ये गन ऊपर ऊपर को भाग रही है जबकि मैं नीचे भी मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं थोड़ी बढ़ाई, अब मैं स्प्रे मारूंगा तो मुझे लग रहा है कि मेरा स्प्रे ज्यादा ही नीचे मूव हो रहा है, तो अगर नीचे मूव हो रहा है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम कर दो। ऐसे ही आपको एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका स्प्रे बिल्कुल अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो मेरा तो 400 पे ही सही जाता है, तो मैं 400 ही रखूंगा। देखो भाई, ठीक है, और ऐसे आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। और अब मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी भी शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर नहीं तो मैं कोड भी शेयर कर दूंगा सेंसिटिविटी का, उससे भी आप देख सकते हो, ये मेरी 300 रहती है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, गलती से वो समझाते हुए शायद बढ़ गई होगी। और यहाँ से मैं अपना कोड शेयर कर देता हूँ, ये फोर फिंगर में खेलता हूँ उसका कोड है, तो कोड आप देख लो अपनी स्क्रीन पर, इसको बस आप एंटर करो यहाँ पर, तो ये यहाँ लेआउट मैनेज में जाके यहाँ पर आप एंटर करोगे अपना कोड और अप्लाई कर दोगे तो ये सेम सेंसिटिविटी आपके आ जाएगी। पर मैं कहूँगा किसी की सेंसिटिविटी आप कॉपी मत किया करो, अपनी अच्छी सेंसिटिविटी बनाओ जिससे कि आपका स्प्रे बहुत ही अच्छा जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो आज के लिए गुड बाय।